टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और परिवार सहित आनंदित होंगे। साथ ही आप एपीएस, आरओ, एआरओ और पीसीएस की तैयारी नियमित रूप से कर रहे होंगे और रिवीजन भी अच्छे से कर रहे होंगे। हम आप अपने इस मंच के माध्यम से यानी टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी यूट्यूब मंच के माध्यम से आपको लगातार वीडियो दे रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमने अब उत्तर प्रदेश की क्लास स्टार्ट की है। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश के आपके जो क्विज है वो प्रोवाइड किए थे। बच्चों ने कहा कि सर इसकी क्विज करने में हमें थोड़ा दिक्कत आ रही है, आप इसका डिटेल वीडियो बना दीजिए। तो मैंने उनकी बात को समझा और उत्तर प्रदेश की श्रृंखला भी मैंने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक मोटिवेशन थॉट के साथ हमेशा स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जी हाँ, आप समीक्षा अधिकारी हो सकते हैं, पीसीएस हो सकते हैं, आईएएस हो सकते हैं और आरओ और एआरओ हो सकते हैं। हम अध्ययन करेंगे उत्तर प्रदेश जहां आप पीसीएस, आरओ और एआरओ बनोगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो ये गंगा यमुना के दो आपका बड़ा क्षेत्र है, हिमालय की से के दक्षिण में स्थित है ये। और इसका सबसे पहले हम अंशांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है वो आपको जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप जब यूपी पीसीएस का मेंस लिखेंगे तब ये डेटा और ये जो डायग्राम है अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा आप कलम उठाइए और कॉपी उठाइए और जो जो मैं बताता जाऊं उसको नोट करते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण आज क्लास होने वाली है। देखिए हमारा नॉर्थ और साउथ, देखिए नॉर्थ और साउथ इस तरह से हम आपको पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि हमारा जो प्रदेश है वो उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। कितना? उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, नॉर्थ में है। और ये हमारी है देशांतर, तो ये जो दूरियां हैं वो आपकी देशांतर दूरी है बच्चों। और ये जो आपका है वो क्या है आपकी, ये मानिए अंशांश सी दूरी है। ठीक है, मैं इसको धारणा नहीं लेके आया हूं ताकि आप समझ सके हमारा दक्षिणतम जिला सोनभद्र है, जो मैं डायग्राम के साथ वहां लिख के भी आपको बताऊंगा। तो अंशांशी स्थिति के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने अंशांश और देशांतर के बारे में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो उससे क्लियर हो जाएगा आपका। तो 23 डिग्री 52 मिनट जो आपका नॉर्थ और 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ, यानी उत्तरी अंशांश है लिखा हुआ है। ये हमारा क्या है अंशांशीय जो विवरण है कि हम कितने अंशांश तक फैले हुए हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश कितने अंशांश तक फैला हुआ है इसके बारे में दिया है। 23 डिग्री 52 मिनट कहां पर होगा बच्चों? ये होगा 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर के कहां होगा आपका 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ, ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार की हम बात करें बच्चों तो देखिए अगर मैं बात करूं ये वाला, ये जहां से देशांतरीय विस्तार करें तो हमारा होगा 77 डिग्री 5 मिनट और ईस्ट, कौन सा? ईस्ट। और ये हम जो साउथ की तरफ जाएंगे, ठीक है, जो हमारा बलिया जिला होगा ये होगा 84 डिग्री 38 मिनट और ये भी ईस्ट होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो अंशांशी और जो देशांतरीय विस्तार है बच्चों वो कहां से है, नीचे से, हमेशा नीचे से पढ़ना चाहिए। 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के कहां तक होता है, 30 डिग्री 24 मिनट तक है। और 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के आपका 84 डिग्री 38 मिनट तक। अब हम उत्तर प्रदेश के नामकरण की हम बात करेंगे बच्चों, यानी हमारे प्रदेश का नाम कब कब क्या रहा है और कब चेंज हुआ है। साथ ही हम उत्तर प्रदेश की राजधानी जो हमारी लखनऊ है वर्तमान में उसकी भी यात्रा देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश का नाम बात कर रहे हैं तो 1836 में, यानी 1 जनवरी 1836 से इसे क्या कहा जाता था, उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। 1877 में इसका नाम पड़ा आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। ध्यान रखिए क्या है, 1877 में जब दिल्ली दरबार हो रहा था हमारा तब नाम क्या रखा गया इसका,
आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत है। 1937 में इसका नाम रखा गया संयुक्त प्रांत रखा गया। 1937 में चुनाव हुए थे राज्यों के, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को हमारे इस प्रदेश का नाम पड़ा उत्तर प्रदेश। तो ये चार डेटा आपको याद होना चाहिए, 1836, 1877, 1937 और 1950। यहां पर हमारे नाम का हुआ है, नामकरण हुआ है हमारा। क्या हुआ? पहला नामकरण उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ, ठीक है। फिर हुआ आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हुआ, फिर संयुक्त प्रांत हुआ बच्चों, और फिर आया उत्तर प्रदेश। बात करें इसके, हमारे प्रदेश की वर्तमान में जो राजधानी है वो हमारी क्या है? लखनऊ है। तो क्या बच्चों शुरू से ही हमारी राजधानी लखनऊ रही है? ऐसा नहीं है। सबसे पहले 1836 में ये हमारे जो संयुक्त प्रांत की जो राजधानी थी आगरा थी। मैंने आपको इतिहास वाली सेक्शन में, जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था जो आगरा की स्थापना है वो सिकंदर लोदी ने की थी। किसने? सिकंदर लोदी ने की। और कब की थी? 1504 में। 1504 के बाद 1506 में आगरा को राजधानी बनाया गया था, ठीक है। और ये मुगलों की भी राजधानी रही, हालांकि कुछ बीच में चेंज होती रही है, फतेहपुर सीकरी बनाया, लेकिन मूलतः क्या रही? आगरा ही रहा था, ठीक है। 1857 की जब क्रांति हो गई थी, मेरठ से हुई थी, तो 1858 में इलाहाबाद जो राजधानी है वो बनी, यानी आगरा से जो इलाहाबाद है वो राजधानी कब बनी है? 1858 में बनी थी। अब 1921 से आंशिक रूप से लखनऊ को राजधानी बनाया गया, और 1935 में पूर्णतः लखनऊ को संयुक्त प्रांत की राजधानी बना दिया गया था। इस तरह से आपका क्रम पूछा जा सकता है, पहले आगरा, फिर इलाहाबाद और फिर लखनऊ। समय की हम बात करें तो 1836 से आगरा थी, 1858 से आपकी इलाहाबाद थी, और 1921 से हमारी जो राजधानी बनी है बच्चों वो क्या हुई है? लखनऊ बनी है। लखनऊ क्या है? गोमती नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। आप इस बड़े नक्शे में आप देख रहे हैं ऊपर वाले में, ये आपको जो दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, ये आपका उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड है, यानी संयुक्त प्रांत का, यानी जब संयुक्त प्रांत जब उत्तर प्रदेश बना, बड़ा एरिया था, पहाड़ी इलाका जो हमारा था वो उत्तराखंड हुआ करता था। और फिर राज्य का पुनर्गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को, राज्य का पुनर्गठन किया था 1 नवंबर 1956 को, और राज्य का जो विभाजन है, विभाजन जो है वो 9 नवंबर 2000 को हुआ है, और यहां पर उत्तराखंड अलग स्टेट बना दिया गया था। जब 9 नवंबर 2000 को यह बनाया गया था तब इसका नाम उत्तरांचल था। क्या था? उत्तरांचल था। और अब वर्तमान में इसका नाम क्या है बच्चों? उत्तराखंड है। तो यह आप याद रखेंगे कि उत्तराखंड का पूर्व का नाम क्या था? वो उत्तरांचल था। और कितने जिले काटे गए थे? 13 जिले, यानी 13 जो जिले हैं इन्हें काट करके अलग ये स्टेट बनाया गया था, ठीक है। शेर जैसी आकृति वाला हमारा प्यारा सा उत्तर प्रदेश था। अब उत्तराखंड के बाद थोड़ा सा अब हमको जो उसका जो सर है, जो शेर का जैसे धारता है ना, वो हमें दिखाई नहीं देता है। खैर, बात करते हैं अब इसके जो आसपास के राज्यों की। तो उत्तर प्रदेश है वो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा? एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को टच करता है। टोटल मिलाए तो 9 आते हैं हमारे, इसमें 8 राज्य हैं और एक क्या हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। अब कौन कौन सा जिला किसको टच करता है इसके बारे में, लेकिन बात करें इंटरनेशनल सीमा की है तो इंटरनेशनल सीमा में हमारा जो नेपाल है, किससे? नेपाल के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। राज्यों की हम बात करें तो क्रम से हम राज्यों को अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात करें कि सबसे ज्यादा जो राज्य है वो हमारे मध्य प्रदेश के साथ में है। कितने? एमपी के साथ सबसे ज्यादा आपके जिले छूते हैं, हमारे प्रदेश के जिले छूते हैं। सबसे लंबी सीमा रेखा हमारी मध्य प्रदेश राज्य के साथ में है, और यहाँ के कितने जिले हैं? 11 जिलों को यह टच करता है। अब आप नक्शा उठाइए, यूपी का नक्शा उठाइए,
अगर आपका नक्शा नहीं है तो एटलस उठाइए और उत्तर प्रदेश का नक्शा देखिए, नहीं है तो मैंने पीडीएफ डाल रखी है, उसे प्रिंट आउट करा के निकाल लीजिएगा और फिर देख लीजिएगा। सबसे पहला जो जिला आपको टच करता है वो है आपका आगरा। कौन सा? यानी एमपी की सीमा को सबसे पहले टच करेगा आगरा, ठीक है। आगरा के बाद में आपका जो टच करता है, देखो ये है आगरा, ये इसके बाद है, ये वो है इटावा। इटावा के बाद करेंगे तो जालौन, कौन से बच्चे? जालौन। फिर आपका आएगा झांसी, कौन सा आएगा? झांसी आएगा। और ये तीन ओर से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से, इसका नाम है ललितपुर। ललितपुर जहां पर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, और ये तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। झांसी के बाद आला उदल की नगरी महुआ आती है। महुआ जिला आप नाम सुना होगा, बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनसे हार गई तलवार की नगरी है ये। उसके बाद आपको स्पर्श करता है एमपी को बांदा। फिर आपका है बच्चों चित्रकूट, ये याद होना चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद है आपका प्रयागराज, कौन सा? प्रयागराज। और उसके बाद स्पर्श करेगा मिर्जापुर, और उसके बाद करेगा सोनभद्र। जो हमारे स्टूडेंट है जो क्लास ऑफलाइन ले रहे हैं और जिन्होंने ऑनलाइन ली है, आप ये नक्शे को, ये सारी सीमा को भर करके अपने हाथ से ड्रॉ करके आप मुझे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे पोस्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैपिंग जितना अच्छा करोगे तभी ये डेटा याद रहेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो 11 जिले हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, फिर बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के बाद आगे मिर्जापुर और सोनभद्र, ये जो 11 जिले हैं वो मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। ये तो दक्षिण की सीमा थी, अब हम पूर्व की सीमा की बात करते हैं। तो पूर्व की सीमा पर हमारा क्या है? बिहार है, ठीक है। और बिहार हमारे कितने? बिहार जो है हमारे 7 जिलों को, कितने? 7 जिलों को टच करता है। लिखा भी है 7 जिलों को टच करता है। कौन कौन से है बच्चों? देखो सबसे पहला जो आएगा वो आएगा महाराजगंज। कौन सा आएगा? महाराजगंज। उसके बाद जो आएगा वो कुशीनगर, जहां पर तथागत गौतम बुद्ध का परिनिर्माण हुआ था, ठीक है। उसके बाद आएगा देवरिया, क्या आएगा? देवरिया। उसके बाद आएगा क्रांति भूमि बागी बलिया, ठीक है। उसके बाद आएगा गाजीपुर, वही जहां पर कार्नवालिस की क्या है? कब्र है। उसके बाद आएगा चंदौली, कौन सा आएगा? चंदौली। आपको ये सारे डेटा बच्चों याद होने चाहिए। और फिर आएगा सोनभद्र। तो इस तरह से आपको क्या याद करना है? उत्तर से दक्षिण का क्रम याद करना है। कौन कौन सा है पहले? आपका महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और आपका सोनभद्र। और ये जिले किसके हैं? बिहार के जिले। कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। अब हम उत्तराखंड की ओर चलते हैं। तो उत्तराखंड को भी 7 जिले टच करते हैं। कितने जिले टच करते हैं? यहां भी उत्तराखंड को 7 जिले टच करते हैं। यहां आप देखेंगे इस तरह से बॉर्डर में, तो यहां सबसे पहला जो वो है, जो जिला है सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर है बच्चों। और सहारनपुर धारणा, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी है। क्या है? सबसे उत्तरी जिला, या नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ जिले की बात करें, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो वो हमारा क्या है? सहारनपुर है। उसके बाद आपका आता है, आपका मुजफ्फरनगर। क्या आता है? मुजफ्फरनगर आता है। और उसके बाद आता है आपका बिजनौर। क्या है बच्चों? बिजनौर आता है, ठीक है। बिजनौर के बाद आता है पीतल नगरी मुरादाबाद। क्या आता है? पीतल नगरी मुरादाबाद आता है। और उसके बाद जो आएगा रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ये आपका रामपुर, बरेली, जो अपने सुरमा के लिए प्रसिद्ध है और गाने में झुमके के लिए प्रसिद्ध है। और फिर यह आएगा पीलीभीत, ठीक है। इस तरह से आपको 7 जिले याद होने चाहिए। क्रम से एक बार फिर याद कर लेते हैं, आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ठीक है। अब
आगे जब हम चले तो देखते हैं हमारा एक जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश एक को छूता है अब वो है सहारनपुर को, ठीक है। हिमाचल प्रदेश एक ही डिस्ट्रिक्ट को स्पर्श करता है अब वो है आपका सहारनपुर है। अब हम आए हरियाणा की तरफ बात करें तो जो हरियाणा है ये 6 जिलों को टच करता है, कितने 6 जिलों को टच करता है। अब पहले तो आप बस कहां आएगा सहारनपुर है, तो सहारनपुर देखिए किस किस को टच करता है, हरियाणा को टच करता है, हिमाचल प्रदेश को टच करता है और उत्तराखंड को टच करता है। अर्थात जो सहारनपुर जिला है वो तीन ओर से किससे गिरा हुआ है, तीन राज्यों से ही गिरा हुआ है। कौन कौन सा आएगा, हरियाणा आपका, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब यहां देखें हरियाणा का पहला जो डिस्ट्रिक्ट हो गया सहारनपुर, सहारन के बाद आएगा शामली, क्या आएगा बच्चों शामली आएगा, और शामली क्या है हमारा पश्चिमतम जिला है, पश्चिमतम जिला है यूपी का, पश्चिमी जिला जो अगर सबसे पश्चिमी जिला बात कर रहे हैं तो कौन सा है आपका शामली है। और उसके बाद आपका आएगा बागपत, क्या आएगा बागपत आएगा, बागपत के बाद में देखो ये गौतम बुद्ध नगर है, कौन सा है बच्चों गौतम बुद्ध नगर। तो ये जो आप डायग्राम धीमे धीमे बना रहे होंगे तो ये मन पर छप जाएंगे, इसलिए कागज कलम मैंने कहा था कि आप बना करके जरूर रखिए, और जब मैं पढ़ा रहा हूँ ये लेक्चर को तो आपका यूपी का नक्शा जरूर होना चाहिए, और उससे जैसे मैं भरता जा रहा हूँ आप भरते जाइए तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद आपका आ जाता है अलीगढ़, तालों की नगरी, एएमयू जिसकी स्थापना 1975 में हुई सर सैयद अहमद के द्वारा, और उसके बाद आएगा मथुरा, कान्हा नगरी, राधा और कृष्ण की नगरी, कुशाण वंश की नगरी, बौद्धों और जैनों की नगरी आपकी मथुरा है, ठीक है। तो ये आपने जो 6 जिले पढ़े वो किसके पढ़े, वो पढ़े आपके हरियाणा के, ठीक है। अब हरियाणा के साथ साथ हमें इसी एरिया में रहना है तो भाई दिल्ली भी स्पर्श कर रहा है तो दिल्ली को भी आपको याद रखना चाहिए। तो दिल्ली जो है ये आपका दिखाई दे रहा है छोटा सा, वो आपका NCR है, दिल्ली है। अब दिल्ली राजधानी है वो 2 जिलों को स्पर्श करती है, किसे, एक तो गौतम बुद्ध नगर को और आपको गाजियाबाद को, यूपी के गाजियाबाद को और गौतम बुद्ध नगर को, गौतम बुद्ध नगर को दिल्ली टच करती है। तो आप देखिए मैं क्रमबद्ध तरीके से सारा पढ़ा दे रहा हूं। जब अब आपका हरियाणा हो गया, अब आया ये राजस्थान, कौन सा आया राजस्थान, चुनाव होने वाले हैं बच्चों तो ये सीमा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। राजस्थान को 2 ही जिले स्पर्श करते हैं, आपका मथुरा करता है और आपका आगरा करता है, यानी राजस्थान को टच करेंगे मथुरा प्लस आपका आगरा, ठीक है। MP हो गया आपका। अब ये दक्षिण की तरफ चलते हैं तो हमारा एक सोनभद्र बहुत इंपॉर्टेंट जिला है, और सोनभद्र जो है पहले बात तो ये आदिवासी बाहुल है, और हमारा जो ये दक्षिणतम आपका जिला है, क्या है दक्षिणतम जिला है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा हमारा बलिया है, बलिया हमारा क्या है सबसे पूर्वी जिला है, और दक्षिणतम जिला कौन सा सोनभद्र है। देखना सोनभद्र और ललितपुर में कंफ्यूजन मत हो जाइएगा, सोनभद्र सबसे साउथ में है, ठीक है। और ये MP से टच करता है, ठीक है, और किसे टच करता है छत्तीसगढ़ को टच करता है ये सोनभद्र जिला, फिर किसको करता है झारखंड को और फिर बिहार को, तो 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला हमारा जिला जो है वो क्या है आपका सोनभद्र है। साथ ही जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से गिरा है वो जिला हमारा क्या है ललितपुर है, 3 स्टेटों से गिरा है वो हमारा सहारनपुर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विदेशी सीमा की, तो विदेशी सीमा की हम बात करें तो नेपाल हमारी सीमा को टच करता है, और यही से प्रश्न पूछे जाने की इस साल प्रबल संभावना है। सबसे पहले कौन सा टच करता है पीलीभीत, कौन सा पीलीभीत टच करेगा, दूसरी बार में सबसे करेगा लखीमपुर खीरी, क्या टच करेगा बच्चों लखीमपुर खीरी है, और लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। दूसरे नंबर अगर आगे जब पढ़ेंगे तो आपका मिलेगा बहराइच, बहराइच क्यों प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पर कतरनिया घाट स्थित है। अगला है फिर श्रावस्ती, और उसके बाद है बलरामपुर, बलरामपुर है,
फिर आपका है सिद्धार्थ नगर बच्चों, सिद्धार्थ नगर महाराजगंज, उसके बाद महाराजगंज, ठीक है। यानी पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, उसके बाद है बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर और आपका महाराजगंज। इस तरह से जो सात जिले हैं, सात जिले आपके किसको टच करते हैं, नेपाल की सीमा को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं नोट्स और टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। हमने टेस्ट सीरीज आपकी एक तारीख से हमारी स्टार्ट हो चुकी है, दूसरा बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब बच्चे कह रहे थे कि नोट्स सर कैसे मिलाएंगे, आप जो पढ़ा रहे हैं तो नोट्स कैसे चाहिए। तो देखिए बच्चे कह रहे थे कि सर नोट्स और आपकी टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने 2500 रुपए में, मात्र 2500 रुपए में आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज और ये जो सारा जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके रिकॉर्डेड वीडियो का प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। अब उसके लिए ये कैसे आपको मिलेगा, यहां मिलेगा, आप प्ले स्टोर पर जब जाएंगे और डाउनलोड करेंगे किसे, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, तो डाउनलोड कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे तो वहां पर आरओ ईआरओ टेस्ट सीरीज एंड नोट्स करके मैंने एक लॉन्च किया हुआ है, इसी में आपको नोट्स मिल जाएंगे, सारा कुछ मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएंगे। टेस्ट लगभग 200 है, कितने 200 टेस्ट है, ठीक है, और आज आप जरूर उसमें टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। और 9 बजे रात को वहां पर डेली करंट का टेस्ट होगा, किसका होगा, करंट का टेस्ट होगा। लेकिन ये जो नोट्स आपको मिलेंगे ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, ये आप इसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, केवल आप देख सकते हैं। लगा अगर आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहिए तो मुझे इस नंबर पर आप क्या करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो मैं आपको जो नोट्स है वो प्रिंट आउट करा करके आपको भेज दूंगा। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स लिख करके, ठीक है, और जिसके चाहिए आपको, जैसे पीसीएस का चाहिए या आरओ और ईआरओ का चाहिए, ठीक है, या एपीएस का चाहिए, इसका लिख करके मुझे इस पर मैसेज कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहले आपको पेमेंट कहां करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाकर के आरओ और ईआरओ टेस्ट नोट्स पर पेमेंट कर देना है, वहां से मैं नंबर आपको देख लूंगा, और आप इस नंबर पर भी एक बार मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा कि सर मैंने पेमेंट कर दिया है और मेरा नाम यह है और अपना एड्रेस मुझे इस नंबर पर भेज दीजिएगा, मैं आपको यहां से प्रिंट आउट करा करके आपको हार्ड कॉपी भेज दूंगा।